अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं तमाम भाई? उम्मीद करता हूँ तमाम भाई खैरियत से होंगे। देखिए, सुबह सुबह का टाइम है, अभी मेरे तकरीबन 7:30-8 बजे, और आज जो है सॉफ्ट फूड में एग ब्रेड थी, तो बॉईल कर लिया मैंने अंडे बटेर के, और एक अंडा जो है वो क्रश कर लिया, दो अंडे पड़े हैं। अच्छा, जिन भाइयों ने बटेर के अंडों की जो खसूसियत वाली वीडियो है वो नहीं देखी, उसका लिंक जो है मैं यहाँ पे टॉप पे दे दूंगा, तमाम भाई उसको भी देख ले। जो नेम हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने देखी हुई है वो तो वेल एंड गुड है। तो बहरहाल बटेर के अंडों का जो है बहुत ज़्यादा फायदे हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं, कई न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो बटेर के अंडे में पाए जाते हैं और मुर्गी के अंडे में नहीं पाए जाते। तो इसीलिए जो है मैंने बटेर अपने सेट में इंट्रोड्यूस किए हुए। आपको पता है कि वो अच्छा खासा, उनका गंद भी है और खाते भी अच्छा खासा ज़्यादा है, लेकिन ये है कि उनके अंडों की जो खसूसियात हैं वो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मैंने उन्हें रखा हुआ है। तो जिन भाइयों के पास भी यानी कि शेड्स बने हुए हैं, लवबर्ड हैं, बजीज हैं, जो भी पैरेट है, तो उसके अंदर जो है बटेर को भी लाजमी इंट्रोड्यूस करें। इसके अंदर एक तो बीमारी कोई नहीं आती मुर्गियों की तरह, तो अगर फार्म के अंदर होम भी, शेड के अंदर होम भी, तो मसला नहीं है। और अंडों की जो इसकी खसूसियात हैं वो मुर्गी से बहुत ज़्यादा हैं। तो बहरहाल मैं एग ब्रेड जो है वो तैयार कर लेता हूँ, उसके बाद इन्हें सर्व करते हैं और आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं। जी, तो तमाम भाई देख सकते हैं कि एग को जो है हमने इसके अंदर मिक्स कर लिया मैश करके, और बड़ा बेहतरीन सा बन जाता है ये, देखें बिल्कुल हाथ पे नहीं चिपकता। और इसको जो है अंडे को वो अच्छी तरह से बॉईल कर लेना, सॉलिड बॉईल करना अंडे को। अगर सॉलिड बॉईल नहीं होगा तो वो जो है चिपचिपापन आएगा ब्रेड के अंदर, और वो बर्ड जो है ना पसंद नहीं करते। तो इस तरह का एग ब्रेड हो तो सबसे बेस्ट है। चले ऐसे है कि मैं इन्हें सर्व कर देता हूँ। जी, तो काम से मैं आ गया हूँ, और जैसा कि तमाम भाइयों ने देखा कि आज हमने अपने परिंदों को जो है वो सॉफ्ट फूड में एग ब्रेड दिया था, और खरगोश जो हैं वो हमारे अभी तक बंद ही हैं। खरगोशों को खोल देते हैं, वो देखे सामने बैठे हैं, इन्हें मैं खोल देता हूँ। अच्छा, और खरगोशों के लिए ना मैं आता हुआ इनके लिए थोड़े पट्ठे ले आया था, तो वो अंदर से उठा के इन्हें डाल देते हैं, और फिर अंदर चलते हैं सेटअप में और देखते हैं कि सेटअप की आज क्या अपडेट है, सब कुछ सेटअप पे कैसा चल रहा है। जी, तो ये पट्ठे ये मैं आता हुआ आज इनके लिए ले आया था, और इन्हें खोल के मैं डाल देता हूँ। ये देखें, बड़ा डरने लग गए ये ना, थोड़ा सा भी इंसान कोई थोड़ा शोर मचाए तो साथ ही अंदर भाग जाते हैं। इसके गिरा खोल के इनको डाल देते हैं, उसके बाद मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। जी, तो गिरा मैंने खोल लिया और पट्ठे अच्छे खासे हैं माशाल्लाह। चलें, ये आज खुश हो जाएंगे, खा लेंगे। अच्छा, तो ये अभी बाहर आ जाएंगे, वो देखें माशाल्लाह आ गए और पट्ठे खाने लग गए। अच्छा, ऐसे करते हैं कि पानी इनका जो है मेरे ख्याल से कल परसों का पड़ा, अंदर पत्ते भी गिरे हुए हैं, तो पानी इन्हें चेंज कर देते हैं, नया पानी और फ्रेश पानी जो है वो इनको डाल देंगे। पानी गिरा दिया। जी, तो बर्तन को धो के फ्रेश पानी इसमें मैं ले आया हूँ, और ये इनके पास रख देते हैं, पानी भी पी लेंगे और पट्ठे भी खा रहे हैं। बिस्मिल्लाह। अच्छा, आप देख सकते हैं कि गंदगी अच्छी खासी हुई है, और बटेर मैंने खोले हुए हैं। अच्छा, बटेर इसलिए खोल दिए थे, कुछ दाना जो है वो कॉकटेल्स ने नीचे फेंक दिया था यहाँ पे, और कुछ मैंने ट्रेस भी साफ की हुई है, तकरीबन 2-3 ट्रेस जिनमें दाना ज्यादा गिरा हुआ था वो मैंने साफ कर दी थी, कि बटेर जो है वो उसको यूज कर लेंगे, वो दाने को खा लेंगे और दाना जाया नहीं होगा, क्योंकि दाना भी जाया करना अच्छी बात नहीं है। चले, बहरहाल ये है कि इस पेयर के जो बच्चे हैं हमारे लव बर्ड के, वो आपको दिखाते हैं कि कितने बड़े हो गए। जी, माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि दोनों बच्चे जो हैं हमारे वो कवर होना स्टार्ट हो गए हैं माशाल्लाह। देखें, दूसरा बच्चा भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखें माशाल्लाह। जी, हेड इनका क्लियर हो गया, लेकिन अभी नीचे से जो है ये पूरी तरह से क्लियर नहीं हुए, तो इसको अंदर छोड़ देते हैं। जी, ये इनका मैंने बंद कर दिया। अच्छा, एक और चीज़ जो तमाम भाइयों को दिखानी थी, जब मैं सुबह एग ब्रेड इन्हें सर्व कर रहा था, तब मैंने देखा इन फिंच का एक बच्चा जो है वो हैच हो गया, लेकिन मैंने अंडा उठा के नहीं देखा। तो अभी जो है इनका अंडा उठा के देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो हैच हुए या नहीं हुए, और क्या सिस्टम है। बिस्मिल्लाह।
इसमें से जो है चार अंडे थे इसने दिए हुए और इसमें से एक अंडा जो है वो गायब हुआ है और दूसरा जो है ये बच्चा निकल रहा है। ये देखे माशाल्लाह, अल्लाह अकबर, कितना छोटा सा बच्चा है वो, और बच्चा जिंदा भी है माशाल्लाह। अभी मेरे हाथ में अंडा टूटा है, यानी कि इसकी दराड़ आई भी थी और अभी टूटा है जी। तो सुबह जब मैं आया हूँ तो हमारी फिंच का एक अंडा जो है वो टूट रहा था, बल्कि टूटा हुआ था, लेकिन उसके अंदर जो बच्चा था अनफॉर्चुनेटली वो एक्सपायर हो चुका था। तो वो अंडा मेरे ख्याल से मैंने तो नहीं वो उठाया, लेकिन वो मुझे लगता है कि समीर लैंडी ने बाद में उठा के बाहर फेंक दिया है। वो बच्चा जो था हमारा वो डेड इन सेल हो गया और ये बच्चा माशाल्लाह हेल्दी है और अभी आपके सामने जो है वो हैच हुआ है। तो माशाल्लाह हमारी फिंच का जो है पहला बच्चा वो हैच हो चुका है और माशाल्लाह हेल्दी है। उम्मीद है अल्लाह ताला से कि ये बच्चा जो है हमारा बड़ा हो जाएगा जल्दी जल्दी जी। तो इनकी मटकी को मैंने वापस रख दी है, अब जो है हम कोई इसका लॉक लगा के ना फिर उसके बाद कुछ और देखते हैं। अच्छा, सीन कुछ ऐसे है कि हमारा वो जो जावा का पेड़ है ये नीचे वाला, ये ना सही तरह से लेइंग नहीं कर रहा। एक अंडा इसने दिया, पहले दिया था वो हमने उठा के ऊपर वाले पेड़ के नीचे फोस्टर कर दिया, एक अंडा उसके बाद दिया और उसके बाद वो है फीमेल उसके ऊपर बैठ गई है। तो ऐसे करते हैं कि वो जो एक अंडा है उसको उठा के हम ऊपर वाले पेड़ के नीचे रख देंगे और जो नीचे वाली फीमेल है और मेल है ना उनको हम डाल देंगे यहाँ पे, यहाँ पे जिसमें जावा है ना केज में, यहाँ पे और नीचे वाले में, तो ताकि वो उनको थोड़ा रेस्ट मिले, उनको जो है विटामिन वगैरह और सॉफ्ट फूड पे जरा तवज्जा देंगे जिससे उनकी जो कोई कमी है विटामिन की मिनरल्स की वो पूरी हो जाएगी, उसके बाद दोबारा से उनको ब्रीड पे लेके आएंगे। तो ऐसे करते हैं कि पहले इसका जो अंडा है एक वो उठा के हम रख देते हैं ऊपर वाले केज में। नेस्ट को एकदम बड़ा प्यारा बनाया हुआ और बड़ा अच्छा, लेकिन एक अंडा था वो भी मुझे गायब हो गया। अच्छा, यूँ हो सकता है कि वो समीर लाल ने उठा के ऊपर रख दिया होगा, मुझे बताया नहीं उसने। तो ऐसे करके इनको पकड़ते हैं और उस केज के अंदर जो है वो छोड़ते हैं। ये तो इनका केज बॉक्स जो है वो मैंने बंद कर लिया। पहले मेल को पकड़ते हैं, उसको ना निशानी लगा देंगे ताकि हमें आइडेंटिफाई हो सके कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा, और पुराना मेल फीमेल कौन सा है, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो भी माशाल्लाह अब तकरीबन क्लियर हो गए हैं। फिर ये ना हो कि मेल का हमें पता ही ना लगे कि मेल कौन सा है। तो इनको मैं पकड़ता हूँ निशान लगा के, फिर उसके बाद छोड़ेंगे जी। तो ये फीमेल इसकी जो है वो हमने पकड़ ली है और इसको यहाँ पे चीक पे निशान लगा दिया ताकि हमें बाद में आइडेंटिफाई हो सके कि फीमेल कौन सी है और मेल कौन सा है। इसको हम छोड़ देंगे फीमेल को ऊपर वाले खाने में। अच्छा, अब जो है हम मेल को पकड़ लेंगे, उसको भी इसी तरह निशान लगा के तो उसको नीचे वाले खाने में छोड़ देंगे ताकि इनको जो है प्रॉपर रेस्ट मिल सके, विटामिन बच्चों के साथ और जो भी है, बहरहाल इनको जो थोड़ा रेस्ट देने के बाद उसके बाद इनको बॉक्स में यानी कि यहाँ पे छोड़ेंगे ताकि इनकी प्रॉपर ब्रीड आ सके। चले मैं मेल को पकड़ लूँ, इसको भी निशान लगा लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ जी। तो मैंने मेल को भी पकड़ लिया और इसको भी निशान लगा दिया। इसको जो है हम नीचे वाले खाने में छोड़ देंगे, यहाँ पे ये छोड़ दिया। अच्छा, अब यूँ है कि आज भी मुझे कुछ काम है जिसकी वजह से मुझे जाना है, तो एक और चीज चेक कर लेते हैं फिर उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं कि हमारी जो जावा है ये वाला पेड़ आखिरी, काफी दिन हो गए इस हमारे जावा के पेड़ ने ना यानी अंडे दे किए हुए और हमने देखा भी नहीं है काफी दिन हो गए, तो इसका भी देख लेना कि आज बच्चे, मुझे उम्मीद है कि आज इसके जो हैं दिन पूरे, दो दिन पहले से दिन इसके पूरे हो गए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इसके बच्चे जो हैं वो हैच हो चुके होंगे। चले इसके देखते हैं बच्चे कि बच्चे इसके हैच हुए हुए या नहीं हुए हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसका बॉक्स है और दोनों बाहर ही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे जैसा कि मुझे उम्मीद भी थी और यानी कि थोड़ा सा यकीन भी था कि बच्चे इनके हैच हो ही होंगे क्योंकि दिन जो है वो पूरे हो गए थे। तो आपको दिखाते हैं कि कितने बच्चे हैच हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छा ये दो हैं और एक बच्चा भी पड़ा है और माशाल्लाह फीड भी इनको अच्छी खासी करवाई है। माशाल्लाह तीन बच्चे हैच हो गए हैं, दो अंडे पड़े हैं, मैं उनको भी चेक कर लेता हूँ कि पता नहीं वो बच्चे उसमें निकलने नहीं निकलने, वो भी चेक करके तो फिर मैं आपको बताता हूँ। अकेला हूँ, मोबाइल की लाइट से चेक करूंगा तो वीडियो नहीं बनेगी, तो मैं चेक कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ।
जी तो वो मैंने दो अंडे जो पड़े हैं वो भी मैंने चेक कर लिए हैं, वो इस तरह हुआ है कि उसके अंदर डेड इन सेल हो गया, बच्चे हमारे एक्सपायर हो गए हैं, तो बड़ी अफसोस की बात है। बहरहाल चले अल्लाह ताला की इसमें बेहतरी होगी। तीन बच्चे जो हैं हमारे वो हेल्दी हैं, अच्छी तरह से हैच हुए हैं। तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ तमाम भाइयों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और हमारे चैनल जमजम बर्ड को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम।